हेलो, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर। आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर होगा और CU CET एग्जामिनेशन जो होता है वो किस लिए होता है, उसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कितनी फीस आएगी एडमिशन लेने के लिए, कितना खर्चा आएगा, आपको कैसे एडमिशन मिलेंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे एडमिशन लेंगे, एक CU CET एग्जामिनेशन होता है उसका क्या रोल है, इसके अंदर क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जैसे हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, ये सारी गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये ना तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ना ही गवर्नमेंट की एडेड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, डैट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई सीधा सीधा प्रोसीजर है, अपनी DMC लाओ और एडमिशन ले जाओ। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट रिलेटेड है, इसमें कट ऑफ लिस्ट निकलेगी या कोई आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा तब जाके आपको इसके अंदर एडमिशन मिलेगी। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं एडमिशन लेने का, वो मैं आपको क्राइटेरिया समझा देता हूँ। प्रोसीजर वगैरह कितनी होगी, फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है डैट इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नॉट ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो इसमें एडमिशन का हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का प्रोसीजर, हमारे पास तीन टाइप के प्रोसीजर होते हैं, बता देता हूँ। 12th पास या फिर आप CU CET, नेक्स्ट हमारे पास है JEE मेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th पास की। अगर आपके पास 12th पास हो आप, ठीक है, 12th पास है, अपनी DMC लाओ, अपना रिजल्ट लेके आओ, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मर्जी आके आप एडमिशन ले सकते हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अपना 12th का और 10th का सर्टिफिकेट ले आओ और आपको एडमिशन जो है मिल जाएगी। अब ये है हमारे पास 12th पास। अब मार्क्स कितने चाहिए, आपके पास 50% मार्क्स भी है ना, तब भी ये CU जो आपको एडमिशन जो है वो प्रोवाइड कर देगी, ले भाई एडमिशन ले जा 50% नंबर पे भी, ऑल ओवर पे भी 12th पास के अंदर। अब बात करते हैं CU CET। अब CU CET क्या चीज है, CU CET क्या होता है, ये एक ना एंट्रेंस है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खुद ही निकाला है, खुद की यूनिवर्सिटी का टेस्ट है इनका, पहले नहीं होता था, इस कुछ ही टाइम से ये शुरू हुआ है, जिसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये एडमिशन प्रोसीजर टेस्ट नहीं है, कि आपको एडमिशन देने के लेने के लिए ये जो है टेस्ट जो है वो क्लियर आउट करना पड़ेगा। ये इट्स नॉट ए एडमिशन टेस्ट, इट्स ए स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप आपका टेस्ट है, कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है एडमिशन के ऊपर, तब आपको ये जो टेस्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं लेनी, डायरेक्ट एडमिशन लेनी है, बहुत पैसा है भाई, मैं तो डायरेक्ट एडमिशन लूंगा, जो मर्जी करूंगा, ठीक है, मुझे आपको सिर्फ एडमिशन दो, पैसा लो, तो आप सिर्फ चुपचाप 12th का सर्टिफिकेट ले आओ और एडमिशन ले जाओ। अब CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का होता क्या है, ये टेस्ट जो है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करवाती है। तो मान लो इसके अंदर आप टेस्ट के अंदर काफी हाई नंबर ले जाते हो, काफी हाई रैंक आ जाता है, तो इनकी जो फी है उस पे आपको 40-50% जो है लेस मिलेगी, 40-50% लेस पे करना पड़ेगा फी के ऊपर। तो ये इनका क्या होता है, एक तरह का बेनिफिट है इसका CU CET का, कि अगर आप CU CET देते हो और उसमें आप क्लियर हो जाते हो, आपका काफी अच्छा खासा रैंक आ जाता है, काफी अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, तो 40-50% जो है आपको क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा अपनी फीस के ऊपर, जो आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये था CU CET, इसके सैंपल पेपर्स वगैरह भी आते हैं, वैसे वो लेना चाहे तो आप वो ले सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको। 10th 11th 12th का आपका जो सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती। हाँ, कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रह जाती है कि अगर हम CU CET ना दें तो कुछ हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। अगर आप CU CET देते हो तब भी बेनिफिट है, नहीं देते हो तब भी कोई चक्कर नहीं है, ये तभी आप दे लो, देखे देने में क्या बुराई है, दे लो। अगर देने में अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपका रैंक अच्छा आ गया, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा।
अदरवाइज आपको नहीं देते हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट ले आओ, डीएमसी ले आओ और एडमिशन ले जाओ। बस उसमें ये क्या गया, आपकी फीस लेस नहीं होगी। अगर इसमें ये ऑफर मिल जाएगा, आपकी जो फीस है वो लेस हो जाएगी 40 to 50% लेस, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन इतनी तो एवरेज है कि इतनी आपकी लेस जो है वो हो ही जाएगी। तो इसमें अगर आप दोगे, अगर इसमें आपके नंबर जीरो भी आ जाते हैं, इसमें मान लो आपके जो मार्क्स है वो जीरो आ गए, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो जीरो नंबर आ गए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थोड़ी सी करेंगे, नहीं भाई आपके नंबर जीरो आए हैं तो आपको एडमिशन हम नहीं दे सकते, तो आपने हमको बस पैसों का ऑफर देना कि आपको जितनी फीस है हम देने के लिए रेडी है, तो हमें डायरेक्ट एडमिशन दे दो। तो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट लेंगे, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेंगे दे देंगे। तो थोड़ी मोटी अगर अड़ाई उड़ाई करेंगे भी तो कोई चक्कर नहीं है, जीरो नंबर भी आता है कि 5 नंबर आएंगे 10 नंबर आएंगे, कुछ कोई चक्कर ही नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेई मेंस की। जेई मेंस में भी सेम प्रोसीजर, अगर आपकी जेई मेंस में काफी अच्छा रैंक है, वैसे तो इसकी नीड ही नहीं है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इसकी कोई नीड नहीं है, अगर आप दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपने दे दिया हुआ है, आपके पास काफी अच्छा खासा रैंक आया है, इसमें काफी अच्छे खासे नंबर आए हुए हैं, तो इसके बिहाफ पे भी अगर आपको क्या हो जाएगा, ये स्कॉलरशिप वाला ऑफर जो है मिल जाएगा, स्कॉलरशिप आपको क्या हो जाएगी प्रोवाइड कर दी जाएगी जेई मेंस की। अगर आपका काफी अच्छा खासा नंबर आए हुए, काफी अच्छे खासे आपका रैंक आए हो, ट्वेल्थ में भी सेम अगर आपके 82 अबव है, जैसे 90-95% आपके ऑफर है, तब भी आपको स्कॉलरशिप का जो ऑफर है वो मिल सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट भी रहता है, कई लोगों की क्वेरीज भी आई थी कि सर हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो उसकी कट ऑफ लिस्ट कितनी जाएगी, हमें कब तक एडमिशन मिलेगी। भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कोई कट ऑफ लिस्ट नहीं बनती, ना ही कट ऑफ लिस्ट बन जाती है। इट्स ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो, फिर आपकी कट ऑफ लिस्ट बनती है। तो इसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, नथिंग टू डू, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए सिर्फ। तो आपको अपने पैसे देने हैं, डॉक्यूमेंट्स लाने, डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ कौन कौन से लगेंगे, और 50% मार्क्स होने चाहिए तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज भी बता देता हूँ, मान लो आपकी ट्वेल्थ में री है, तो अगर आपकी ट्वेल्थ में रही है तो आप इनको पैसे देके अपनी सीट भी बुकिंग करवा सकते हो कि मेरी सीट रख लेना, तो जब मेरी ट्वेल्थ री क्लियर होगी 2-3 महीने बाद, तो वो जो है मैं सीट जो है अपनी आके वापस ले लूंगा। लेकिन हाँ, अगर 2-3 महीने के अंदर आपकी री नहीं क्लियर होती है, जब भी आपका टेस्ट आने पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये जो आपको ने सीट अपने यहाँ पे बुक करवाई थी वो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट मस्ट कंपलसरी है। हाँ ये हो सकता है कि आप अपनी सीट यहाँ पे बुक करवा सकते हो थोड़े बहुत पैसे देके, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो सुरक्षित रहेगी, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, अगर आपकी री नहीं क्लियर होती तो ये सीट आपकी क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। के साथ साथ बच्चों के मन में एक और डाउट रहता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कब लें, कब से ये एडमिशन शुरू करते हैं। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आप कभी भी ले सकते हो, मोस्टली बेसिकली इनका जो सेशन है वो अगस्त से शुरू होता है, तो अगस्त के से पहले पहले आप कभी भी एडमिशन ले लो तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी जाके एडमिशन लेते हैं, तब भी ये यूनिवर्सिटी उन्हें क्या करती थी, एडमिशन प्रोवाइड कर देती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आराम से आपको सीट मिल जाएगी, आराम से एडमिशन मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सीट्स होती हैं इनमें, ऐसा नहीं होता कि इतने बच्चों की सीट्स ही हैं तो इतनी फुल फुल हो चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनके पास अनलिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप अगस्त में कोई बाई चांस नहीं एडमिशन ले पाते, कोई इश्यूज क्रिएट हो गए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो आप सितंबर अक्टूबर में भी जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ये आपको आराम से एडमिशन दे दीजिएगी, आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, इनको डॉक्यूमेंट्स आपको जो लेके जाने हैं, क्योंकि अगर एक बार ही जाओ तो आप एडमिशन अपनी करवा के आओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से एडमिशन करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जाके एडमिशन करवानी पड़ेगी। इनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा, फॉर्म फिलिंग भी मिल जाएंगे, दोनों तरीके में, टोल फ्री करना है आप कॉल करके भी उनसे अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हो, नहीं तो इनका फॉर्म भी निकलता है इनकी वेबसाइट पे जाके, वहाँ से भी फुलफिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो ऑफलाइन भी करवा सकते हो, वहाँ पे कैंपस में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके। मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगने हैं इनके, तो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके साथ आपका लगना है 10th डीएमसी, 12th डीएमसी, करैक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका लगना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट,
आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी अपना प्रूफ ले जाना आधार कार्ड की जगह, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायरमेंट है, इसलिए बता दिया आपको, अगर आप जाओगे एडमिशन लेने तो आपको बार बार टाइम ना वेस्ट करना पड़े। 5 पासपोर्ट साइज फोटो से ले जाना, 10th की DMC, 12th की DMC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है तो कोई और अपना वैलिड प्रूफ ले जाना जो आपका चलता है। तो ये सब चीजें जो, ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन के लिए एट अ टाइम वहाँ पे जरूरत पड़ेंगे। तो ये था सारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, CU में क्या आता है, और डायरेक्ट एडमिशन लेनी है तो डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हो।